हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एज़ वी नो कि हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 90 मिनट्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ये 100 क्वेश्चन सब डिवाइडेड होंगे, जिसमें हमारा अपना सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चंस होंगे और बाकी जर्नल पेपर के 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन जनरल अर्थमेटिक इंटेलिजेंस रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 मार्क्स की। फ्रेंड्स, हमारी पोस्ट सीरियल नंबर 13 पर है। पोस्ट का नाम है ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब हम अपने सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की 4 वैकेंसीज हैं। इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी के 70 क्वेश्चंस होंगे और ये 70 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। और फ्रेंड्स, वो टॉपिक्स हैं फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें आपको लेंस, हाउ टू बिहेव बाय अ रे ऑफ लाइट, ये सब पढ़ना है। जर्नल एनाटॉमी एंड जर्नल फिजियोलॉजी, इसमें आपको आइज़ के रिलेटेड सारी एनाटॉमी पढ़नी है। ऑक्यूलर एनाटॉमी एंड ऑक्यूलर फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइटनिंग, हॉस्पिटल प्रोसीजर, ऑप्टोमेट्रिक ऑप्टिक्स, ऑक्यूलर डिजीज़, इसमें आपको आइज़ के रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं वो पढ़नी है, सेक्लीरा के रिलेटेड, रेटिना के रिलेटेड सब पढ़ना है आपको, कॉर्निया के रिलेटेड भी पढ़ना है, विजुअल ऑप्टिक्स, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्टोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड्स, आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है जो हम ओटी में यूज़ करते हैं या माइनर सर्जरीज में भी यूज़ करते हैं, जर्नल एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल सिस्टम, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिक्स, बायनोक्यूलर विजन के बारे में पढ़ना है, ग्लूकोमा के बारे में पढ़ना है कि आईज, ग्लूकोमा मीन्स प्रेशर ऑफ आई, लो विजन एड, डिस्पेंसिंग ऑप्टिक्स, पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री एंड जेनरिक ऑप्टोमेट्री, कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में पढ़ना है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस, ये सब पढ़ना है आपने, लॉ एंड ऑप्टोमेट्री एंड ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री, सिस्टमिक डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री। फ्रेंड्स, आपको ये अपने पेपर के लिए सारा टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।